नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 30 मार्च। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में खोले जाएंगे पुस्तकालय। सहारा इंडिया की स्कीमों में उपभोक्ताओं के जमा पैसे के भुगतान पर पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। बिहार में जल्द ही होगी 7,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली। आपदा से बचाव का गुर सीखेंगे अब मुखिया जी। कॉलेज विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी पर शिक्षा मंत्री ने दिया बयान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में खोले जाएंगे पुस्तकालय। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय खोलने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर बीते दिन से सभी स्कूलों में किताबों को भेजने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यानी कि अब सरकारी स्कूलों के बच्चे खाली समय में मनोरंजक और ज्ञानवर्धक किताबों का अध्ययन करने वाले हैं। इसको लेकर जिले के प्राथमिक से प्लस टू स्तर के 3,128 स्कूलों में अगले सत्र से पुस्तकालय संचालन शुरू कर दिया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से जिले को कक्षावार किताबों का सेट उपलब्ध करवा दिया गया है। योजना के अनुसार 30 मार्च तक प्रखंड मुख्यालयों पर किताबें भेज दी जाएंगी। सभी किताबें अप्रैल के पहले हफ्ते में स्कूलों को उपलब्ध करवाने की योजना है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 5 प्रकाशकों के माध्यम से जिले को अलग अलग किताबों का सेट उपलब्ध करवाया है। विकास के नाम पर अब शहर के किसी भी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है सरकार। बिहार सरकार अब आने वाले दिनों में विकास के नाम पर शहर के किसी भी जमीन का अधिग्रहण करने का काम कर सकती है। इसको ही लेकर हाल ही में विधानसभा में विधेयक को भी प्रस्तुत कर दिया गया है। इसको लेकर ही उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार शहरी आयोजन और विकास संशोधन विधेयक 2022 पेश कर इसके प्रमुख संशोधन के बारे में जानकारी दी। विपक्ष के सांकेतिक विरोध के बीच ये ध्वनिमति से पारित हो गया। इसके साथ ही मास्टर प्लान की जरूरतों के मुताबिक सरकारी प्राधिकार की तरफ से होने वाले जमीन अधिग्रहण में भू स्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त हो गई है। उप मुख्यमंत्री की माने तो राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण और शहरों के बढ़ते दायरे को देखते हुए नगरीय स्वरूप और सुविधाओं को विकसित करने के लिए अतिरिक्त भूमि की जरूरत पड़ेगी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL ने निकाली रिक्तियां। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने डिप्लोमा ट्रेनी के कुल मिलाकर 16 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल सिविल तय की गई है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 70% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 20 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.powergrid.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। उद्यमियों को सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेंगे सभी तरह के लाइसेंस। बिहार में 1 अप्रैल से सिंगल विंडो सिस्टम से उद्योग लगाने के लिए जरूरी पेपर ऑनलाइन उपलब्ध होने वाली है, जिसका ऐलान शाहनवाज हुसैन ने खुद ही किया है। शाहनवाज हुसैन ने इस बाबत बताया कि इस नई शुरुआत के साथ ही बिहार के उद्यमियों को लाइसेंस मिलने में से उद्योग जल्द शुरू करने में मदद मिलेगी। जिले के रामदयालुनगर स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग मंत्री ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम लागू होने से उद्यमी बेवजह परेशान नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए भी पश्चिमी चंपारण में जमीन चिन्हित हो गई है। उद्योग के सभी क्षेत्र में काम चल रहा है। बिहार में जल्द ही होगी 7,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली। बिहार में जल्द ही 7,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में सभी 13 यूनिवर्सिटी में जो भी रिक्त पद है उन्हें जल्द भरा जाएगा। भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा के ध्यानाकर्षण पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबे अरसे से लंबित है, जिसे जल्द शुरू किया जाएगा। बिहार सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की है। बीते दिन इस मामले को बिहार विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा समेत अन्य सदस्यों ने उठाया था। भाजपा विधायक ने सरकार से यह जानना चाहा कि राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में कुल 12,893 शिक्षकों का पद सृजित है, इनमें से 7,000 से ज्यादा पद अभी भी खाली है। सरकार इन रिक्त पदों पर कब बहाली करने जा रही है। बिहार में गर्मी में कोई राहत नहीं। 1 अप्रैल से कई जिलों में लू को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गर्मी का सितम मार्च महीने में ही तेज दिखाई दे रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 1 अप्रैल को कैमूर, गया, औरंगाबाद और नवादा में हीट वेव के हालात रहेंगे। मौसमविदों का कहना है कि सूबे के दो भागों में दो तरफा हवाओं की वजह से तापमान में ये असर देखा जा रहा है। पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के अधिकतर शहरों में अगले दो दिनों तक अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक ऊपर बना रहेगा। पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में 30 मार्च को आंशिक बारिश से गर्मी से राहत मिल सकती है।
20 फुट से अधिक चौड़ी सड़कों का पथ निर्माण विभाग करेगा अधिग्रहण। बिहार में निगम क्षेत्र की 20 फुट से अधिक चौड़ी सड़कों का अधिग्रहण अब शुरू होने वाला है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि शहरों की 20 फुट या उससे अधिक चौड़ी सड़कों का ही उनका विभाग अधिग्रहण करेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने ऐसी 600 सड़कों की सूची पथ निर्माण विभाग को भेज दी है, जिनका स्वामित्व अब तक विभाग ने नहीं लिया है। दोनों विभागों के अधिकारी इस मामले में बैठकर समीक्षा करेंगे, तभी उनका अधिग्रहण होगा। तब तक उसका मेंटेनेंस नगर विकास ही करेगा। वो सोमवार को विधान परिषद में सदस्य कुमुद वर्मा के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने दीघा दानापुर रोड से जुड़ी एक सड़क के अधिग्रहण के बारे में सरकार से जानकारी मांगी। सहारा इंडिया की स्कीमों में उपभोक्ताओं के जमा पैसे के भुगतान पर पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। बीते दिन सहारा इंडिया की विभिन्न स्कीमों के उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए पैसों का भुगतान को लेकर दायर की गई 400 हस्तक्षेप याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट ने आंशिक सुनवाई की। इस दौरान न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने प्रमोद कुमार सैनी की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सेबी के संबंधित अधिकारी कोर्ट में उपस्थित थे। हालांकि हम आपको बता दें कि पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट ने सेबी के लीगल हेड को 28 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। बिहार में बैंक हड़ताल से इतने हजार करोड़ का कारोबार हुआ प्रभावित। बिहार में निजीकरण समेत अन्य मामलों को लेकर इन दिनों बैंक हड़ताल पर थी, जिसके कारण आम लोगों को तो नुकसान हुआ ही, साथ ही कारोबार पर भी बड़ा असर पड़ा है, जिसके तहत ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य सरकारी उद्यमों के निजीकरण के खिलाफ 28-29 मार्च की औद्योगिक हड़ताल के पहले दिन बिहार में करीब 10,000 करोड़ का आर्थिक कारोबार प्रभावित हुआ। बेतिया में 100 करोड़ के कारोबार पर असर पड़ा। राज्य में संचालित व्यावसायिक बैंक और ग्रामीण बैंक की 5,000 शाखाओं के कामकाज पर इसका असर पड़ा है। आपदा से बचाव का गुर सीखेंगे अब मुखिया जी। बिहार के सभी पंचायतों के मुखिया जी अब आपदा से बचाव का गुर सीखने वाले हैं, जिसके तहत अब आने वाले समय में भूकंप, अगलगी, बाढ़, सुखाड़ सहित कृत्रिम और प्राकृतिक आपदा के दौरान क्या सतर्कता बरती जाए, इसका प्रशिक्षण जनप्रतिनिधियों को दिया जाएगा। जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर आम लोगों को सतर्क करने की योजना है। जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने का खाका बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तैयार कर लिया है। उन्हें विशेषज्ञों से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। जानकारी के अनुसार बीते दिनों प्राधिकरण ने पंचायती राज विभाग के साथ बैठक की थी। चूंकि विभाग की तरफ से जल्द पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाना है, इसलिए प्राधिकरण ने तय किया है कि प्रतिनिधियों को उसी प्रशिक्षण में आपदा से बचाव की भी जानकारी दी जाए। अब 75 साल की उम्र तक काम करेंगे बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष 75 साल की उम्र सीमा तक काम करने वाले हैं। इसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से बीते दिन ही दिशा निर्देश जारी की गई, जिसके तहत ही सदस्यों का कार्यकाल 70 साल का होगा। इसी तहत ही कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति भी 70 की उम्र तक पदासीन रहेंगे। दो संशोधन विधेयक के जरिए आयोग के अध्यक्ष और कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की सेवा अवधि का विस्तार किया गया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि ये उच्च शिक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम है, यानी कि अब विधेयक पारित होने के बाद अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष 75 साल की उम्र तक पद पर बने रहेंगे। अब शराब तस्करों पर होगी बेल्जियम मेलिनोइस डॉग की नजर। बिहार सरकार बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करवाने में लगी हुई है। यही कारण भी है कि बिहार में शराब तस्करों को पकड़ने के लिए बिहार सरकार ने जहां एक तरफ हेलीकॉप्टर और उड़नदस्ता दल को लगाया हुआ है, वहीं अब शराब तस्करों पर नजर बेल्जियम मेलिनोइस डॉग की होने वाली है। सबसे खास बात यह है कि बेल्जियम मेलिनोइस ब्रीड की यह स्फिनर डॉग सीलबंद बोतल के अंदर रखी शराब को भी आसानी से ढूंढकर उसे पकड़ सकते हैं। सोमवार को मद्य निषेध विभाग की साप्ताहिक ब्रीफिंग में विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महीने भर के ट्रायल के तौर पर कोलकाता की एक कंपनी से इसकी सेवा ली गई। बड़ी संख्या में किराए पर इनकी सेवा प्राप्त करने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट ने अपने नाम बनाया एक अनोखा रिकॉर्ड। दरभंगा एयरपोर्ट अपने नाम से अब तक कई रिकॉर्ड बना चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अब इस एयरपोर्ट ने अपने नाम एक और अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया है। नागर विमानन राज्य मंत्री डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने राज्यसभा में बताया कि 2020-21 में दरभंगा हवाई अड्डे पर 460 विमान उतरे, जिन पर 1.52 लाख यात्रियों ने सफर किया। हालांकि कोविड के प्रभाव के चलते गया हवाई अड्डे पर यातायात प्रभावित हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि गया हवाई अड्डे पर 2019-20 में जहां 1803 विमान उतरे, वहीं साल 2020-21 में यह संख्या 4 गुना घटकर 2020-21 में 394 हो गई। यात्रियों की संख्या भी 2.33 लाख से घटकर 69,648 रह गई है।
गया की ताइवानी महिला निकली कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने मचा हड़कंप। बिहार में जहां एक तरफ इस बात की राहत थी कि कोरोना अब छूमंतर हो गया, लेकिन इसी बीच अब बिहार के गया जिले में आई एक विदेशी महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ये महिला ताइवान की रहने वाली है। गौरतलब हो कि इन दिनों चीन ताइवान आदि इलाके में कोरोना काफी कोहराम मचा रहा है। गया में ताइवानी महिला के पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी है। महिला के संपर्क में आने वालों की सैंपल लेकर कोरोना जांच की जा रही है। सीएम नीतीश ने किया बिहार संग्रहालय का भ्रमण और निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन ही बिहार संग्रहालय का भ्रमण और निरीक्षण का काम किया। इसको लेकर जहां उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में सारी जानकारी साझा की है, वहीं इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही इस दौरान उन्होंने आगे बताया है कि सभी प्रदेशों को हिंदी और अंग्रेजी में विस्तृत रूप से लिखवाने का निर्देश दिया गया है, ताकि लोगों को एक एक चीज की जानकारी सहज ढंग से मिल सके। जो भी अवशेष यहां रखे गए हैं वो कहां से मिले, उनका कालखंड क्या है, उनसे संबंधित ऐतिहासिक तथ्य क्या है, इनके बारे में ठीक ढंग से बड़े अक्षरों में लिखवाने का निर्देश दिया गया है, ताकि नई पीढ़ी उसे देखने के साथ साथ पूरी तरह समझ सके और उन्हें अपने पौराणिक इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि नई पीढ़ी को बिहार के गौरवशाली इतिहास को जानने और समझने के बाद उन्हें काफी प्रसन्नता होगी। भूजल स्तर में सुधार पर बिहार के इस जिले ने कायम की मिसाल। बिहार में बढ़ती गर्मी के साथ ही भूजल की समस्या आम बात है। हर साल गर्मी के मौसम में इस तरह की खबरें आती ही रहती है। वहीं इन सबके बीच बिहार के एक जिले ने भूजल के स्तर में सुधार कर एक मिसाल कायम की है, जिसके तहत ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से भूजल स्तर में सुधार की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार के पूर्वी चंपारण को नेशनल वाटर अवार्ड दिया जा रहा है। ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज इस सम्मान से मोतिहारी डीएम शीर्षित कपिल अशोक को सम्मानित करने वाले हैं। साल 2021 में पीएचईडी के एक सर्वे में पाया गया कि जिले का जल स्तर करीब 3 फीट बढ़ा है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में कई स्तर पर इस दिशा में अभियान चलाया गया था, जिसका परिणाम सामने है। बिहार में जब मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं, तब आम आदमी की सुरक्षा कैसे हो सकती है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को हाल ही में बख्तियारपुर में सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चूक का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से ही पक्ष और विपक्ष दोनों इस मामले को अलग अलग एंगल देने में लगे हुए हैं। इसके तहत ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन कानून व्यवस्था पर सरकार का घेराव किया, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि बिहार में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सुरक्षित नहीं है, तब आम आदमी की सुरक्षा पर क्या बात की जाए। दरअसल सीएम नीतीश पर 2 दिन पहले उनके गृह क्षेत्र बख्तियारपुर में हुए हमले का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने राज्य की लचर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने जदयू के ही नेता पर हुए हमले की निंदा भी की है। कॉलेज विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी पर शिक्षा मंत्री ने दिया बयान। बिहार के कई कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों के अभाव से जूझ रहे हैं। यही कारण भी है कि बिहार के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी की मांग उठती रही है। इसी बीच बीते दिन बिहार विधानसभा में एक बार फिर से इस मामले में खूब चर्चा हुई, जिसके तहत ही भाजपा के विधायक नीतीश मिश्रा ने इस मामले को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाया, जिसके जवाब में ही शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बिहार के कॉलेज और विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी पर अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित रही। मंत्री ने सदन में बताया कि 16 विषयों में चयन का काम पूरा हो गया है। सैनी ने भाजपा के साथ हुए सांठगांठ का किया खुलासा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी के अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि भाजपा से दुश्मनी अब उन पर ही हावी होने लगी है, जिसके बाद ही मुकेश सैनी की तरफ से बार बार गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुए सीक्रेट डील की बात कही जा रही थी। वहीं सैनी को मंत्री पद से हटाए जाने के साथ ही अब उन्होंने अपना विरोधी तेवर भी दिखाना शुरू कर दिया, जिसके तहत बीते दिन अमित शाह के साथ हुए डील का खुलासा किया है। जिसके तहत उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा ने उन्हें साल 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। इतना ही नहीं, भाजपा ने तो राज्यसभा भेजने और केंद्र में मंत्री बनाने तक का वादा कर दिया था। अगर मेरी मांगों को मान लिया जाता तो मैं जल्द ही पार्टी का विलय कर हरिद्वार चला जाऊंगा। मोदी सरकार ने बनाई एक राज्य एक खेल की नीति। केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में एक राज्य एक खेल की नीति बनाई है। इसके तहत अब केंद्र सरकार ने युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने बीते दिन लोकसभा में बताया है कि सरकार एक राज्य एक खेल योजना पर विचार कर रही है और उचित समय पर इस बारे में निर्णय लिए जाने की बात कह रही है। प्रमाणिक ने प्रश्नकाल में भाजपा सांसद हेमा मालिनी के पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने वन स्टेट वन स्पोर्ट के विषय पर प्रत्येक राज्य के खेल मंत्री और उनके अधिकारों के साथ डिजिटल माध्यम से बैठक की। खेल राज्य मंत्री ने कहा है कि इन बैठकों में राज्य से प्रस्ताव भी मांगे गए हैं और एक राज्य एक खेल पर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। अब खोलते ही शुरू हो जाएगा आपका लैपटॉप, नहीं होगी समय की बर्बादी। आपका लैपटॉप कितना भी फास्ट क्यों ना हो, इसे शुरू करने और स्लीप मोड में से जगाने में कुछ समय तो जरूर बर्बाद होता है।
जब भी आप लैपटॉप का लीड बंद करते हैं तो ये स्लीप मोड में चला जाता है और इसकी स्क्रीन भी ऑफ हो जाती है। इसके बाद जब भी लैपटॉप की लीड को खोलेंगे और लैपटॉप फिर से इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको इसे स्लीप मोड में जगाना पड़ता है। आज हम जो आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं उसके जरिए आप टाइम की काफी बचत कर सकेंगे। आप लैपटॉप की सेटिंग्स में कुछ बदलाव करते हैं तो इसकी लीड बंद करने के बाद भी ये स्लीप मोड में नहीं जाएगा और स्क्रीन भी ऑन रहेगी। खास बात यह है कि ये ट्रिक मैकबुक और विंडोज दोनों तरह के लैपटॉप पर काम करेगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। अकबर ने 1561 में मालवा की राजधानी सारंगपुर पर हमला करके बाजवा बहादुर को हरा दिया। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बंगला नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह और लंबे समय से चल रहे 1857 के सिपाही स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने गए। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का 1954 में उद्घाटन किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल तथा त्रिपुरा गोवा और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रोमेश भंडारी का 1928 में जन्म हुआ। भारतीय फिल्म अभिनेता उत्पल दत्त का 1929 में जन्म हुआ। आज एक दूसरे से भिड़ेगी आरसीबी और केकेआर की टीम। आईपीएल के 15वें सीजन का आगाज हो गया है। इसके साथ ही अब तक सभी टीमों ने कम से कम अपना एक मुकाबला खेल लिया है, जिसके तहत ही आज एक बार फिर से बैंगलोर और कोलकाता की टीम एक दूसरे से भिड़ने वाली है। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होने वाला है। हालांकि ये पहला मुकाबला नहीं है जहां दोनों टीम मैदान में उतरने वाली है, बल्कि इससे पहले भी केकेआर और आरसीबी की टीम अलग अलग टीम के साथ भिड़ चुकी है। जहां सीएसके के खिलाफ केकेआर को जीत मिली थी, वहीं पंजाब के खिलाफ बैंगलोर को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद ही दोनों ही टीम जीत के इरादे से मैदान में भिड़ती हुई नजर आने वाली है। जहां केकेआर अपने जीत के जज्बे को कायम रखना चाहेगी, वहीं आरसीबी सीजन की पहली जीत अपने नाम करना चाहेगी। नहीं रुक रही है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत। महंगाई की मार झेल रहे बिहारवासियों को एक के बाद एक झटका दिया जा रहा है। पहले खाने वाले तेल के दाम में बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में बीते दिन पेट्रोल की कीमत 82 पैसे और डीजल की कीमत 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की कीमत 82 पैसे बढ़ाकर 110.85 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इस तरह से डीजल की कीमत भी 70 पैसे बढ़कर 95.88 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इस तरह से देखिए तो 23 मार्च से अब तक पेट्रोल की कीमत में 4.49 रुपए और डीजल के दाम में 3.97 रुपए का इजाफा हो चुका है। केंद्रीय विद्यालय में दाखिले की सिफारिश के लिए सांसद कोटा बढ़ाने की उठी मांग। बीते दिन बिहार विधानसभा के बजट सत्र में एक बार फिर से केंद्रीय विद्यालय में दाखिले की सिफारिश के लिए सांसद कोटा को बढ़ाए जाने की मांग उठाई गई। ज्ञात हो भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने केंद्रीय विद्यालयों में छात्रों के दाखिले की सिफारिश करने के लिए ही ये मांग उठाई है। इसको लेकर बीते दिन राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मौजूदा समय में देश में 788 से अधिक सांसद हैं। एक सांसद के पास केंद्रीय विद्यालय में 10 छात्रों को प्रवेश दिलाने का कोटा है। इस प्रकार 7,880 सीटों पर दाखिला सांसदों की सिफारिश पर की जाती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नेहा सिंह, मंतोष कुमार, पूजा कुमारी, नरेश कुमार, कुश कुमार यादव, चंदन कुमार, सलीम भाई, शंकर मुखिया, प्रवीण कुमार, मंटू कुमार, विकास यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बढ़ती महंगाई से आपका बजट बिगड़ा है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।